अस्सलाम लोग साहब, हम दोनों आ गए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम लोग जा रहे थे संडे बाजार, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई हैं और ईद में है, वक्त कम। आप हमारे साथ रहिएगा, हम लोग चलते हैं संडे बाजार। हम दोनों आ गए यहाँ पर, ये देख लें, इतनी कोई सब बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है, हालत ख़राब हो गई घुसते ही। अभी तो बहुत धूप हो रही, गर्मी चल रही है, इतनी धूप। देखें यहाँ पर व्यूअर्स, यहाँ कितनी ज्वेलरीज वगैरह है। तो ये देखें आजकल जो इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें मिल रही है ना, यहाँ भी है यहाँ पर जी। ना रश हो रहा है आज यहाँ पे, क्योंकि आखिरी इतवार है ना, फिर ईद है। खान साहब सही क्या लेंगे बता दे, फिर व्लॉग में आ जाओगे फिर आप। 500 जी। हम लोग यहाँ आ गए थे वाटर पम्प, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे चेंज हो गया था। जाहिर सी बात है, बाहर निकले थे ना, हमने कहा नहीं भाई, हमें जो चीज़ चाहिए वो लेना ही लेना है। मुझे असल में देगची की जरूरत थी, छोटी देगची की। ये दे कप, हाँ कौन से कप? ये रखे हुए ना, ये तो कटोरी है। हाँ ये सही, शॉपिंग की बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सभी चीज मिल रही है। हाँ ये चीज चाहिए थी। हवा मिली, शुक्र है, मेरे मतलब की देखी तो मिली। ये देखो खाइए, किलो वाली है। यहाँ देखे हम लोग मुर्गी के शॉपों पे आ गए। चलो फिर बताते हैं, ईदी मांग रहे हैं, कम करने में, कम नहीं खा रहे ईदी। हाँ चले आए, चलते ले रहे हैं हमारे हस्बैंड गोश्त। पूछ रहे हैं बच्चे को भी, गोश्त इतना महंगा कर दिया है, 1400 रुपए किलो बगैर हड्डी का। शेख सुहेल, आप कितने साल बाद आए हो ये तो बताओ। हाँ कम लिए थे वैसे। हाँ छह, कितने थे? 600-800। हाँ वेलकम बैक, शबनम आ गई है किचन में। और बाजार से हम होकर आ गए थे, किचन में हम क्या पका रहे हैं आपको बताते हैं। हम बना रहे हैं बीफ के चपली कबाब। जी हाँ, बीफ के चपली कबाब बना रहे हैं। तो आइए देख लें, इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने 1 किलो कीमा लिया है, मशीन का लिया है, ठीक है। इसमें हरी प्याज, आधा पाव हरी प्याज, हरी मिर्चें 7-8 मिर्चें होंगी, और हरा धनिया पूरा लिया है मैंने, और ये टमाटर मैंने लिए हैं, पाव होंगे लेकिन इसके बीज हमने निकाल दिए थे। लेमन है, और ये चपली का पूरा, मैं चपली का पूरा डब्बा लिएगा, इसमें डलता है इसमें, क्योंकि साबुत धनिया अनार इसमें सब चीज़ें मौजूद होती हैं, इसलिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल पिसे हुए ही सब खा रहे हैं ना, अनारदाना कहाँ मुँह में आता है तो पसंद नहीं करते। इसी में सब कुछ है, साबुत धनिया, अनारदाना, बहुत सारे जो मसाले हैं, और नमक का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैं इसमें अभी नमक ऐड नहीं कर रही हूँ। और मेरे पास वो, ये मैंने भुना हुआ बेसन लिया है, 5 से 6 चम्मच है, और लहसुन अदरक है,
मैं देख के डालूंगी, 4 चम्मच डालूंगी इसके अदरक लहसुन के, और ये मेरे अपने मसाले हैं, गरम मसाला 1 चम्मच, 2 कुटी मिर्चें, चाट मसाला 1 चम्मच, पिसी मिर्चें। नमक नहीं डाल रही मैं, फिर बोली नमक नहीं डाली, मैं बाद में चेक करूंगी कि कहीं खट्टा ना हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी नमक होता है। चले मैं डाल रही हूँ, और हाँ ये 1 अंडा है बस, बर्निंग के लिए 1 अंडा है, ये 1 अंडा लिया, ये अंडा भी जाएगा एक, ठीक है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खुश मसाले ये मेरे अपने, ठीक है। इसमें जाएगा बेसन, भुना हुआ बेसन, ये सारे ये वाले मसाले, हरे हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये पूरा 1 डब्बा डालेंगे चपली कबाब का, पूरा 1 डब्बा, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये टमाटर पाव होंगे, सिर्फ 1 पाव टमाटर होंगे, और ये लहसुन डालूंगी, और ये अदरक लहसुन 1 किलो कीमा है ना, 2, 3, 4, और 1 अंडा, ये 1 अंडा, ठीक है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, बस और कुछ भी नहीं है, देख लें ज़बरदस्त बनते हैं ये, आप एक दफ़ा ट्राई करें। अरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है, हाँ तो बनते ही ज़बरदस्त हैं। इसको बहुत अच्छी तरह वो करिएगा मिक्स, बहुत अच्छी तरीके से, जब हम अपने स्टाइल में आ जाएंगे, ये देख रहे हैं आप। इसी देखिए भाई, ये टाइम हो रहा है हमारा अफ्तार का, ये मैं बनाते दिखा रही हूँ आपको फ्राई करते हुए, इसको बस कुछ भी निकालना है, ये देखें, ठीक है, इसका बना के दिखाती हूँ। या आप अपने ऊपर है कि आप कितने बड़े खाना चाहते हैं, और उसे उसी हिसाब से बना दें, लेकिन थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि चपली कबाब का मतलब होता है चपली कबाब, समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये हम डालते रहेंगे, तो ऐसी बुरी हालत हो गई बाजार में, अल्लाह माफ करे, रोजे में बहुत बुरा हाल हुआ रोजे में, देख ऐसे डालते, ये एक तरह की गार्निश है, ये गार्निश के लिए कि हाँ भाई चपली कबाब की पहचान है, लेकिन टेस्ट बेहतरीन आएगा, बेहतरीन टेस्ट आएगा। ये देखें बस जैसे ये फ्राई होते हैं ना, तो फिर हम आपको फिर ऐसी बातें डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं, ठीक है। देखिए भाई, पहले हर दिन की तरह हमारा दस्तखान सज गया है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है भाई, देख लें हमारे चपली कबाब माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो देख लिया आपने, अल्लाह ताला आप लोग भी दस्तखान इसी तरह सजते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई, और कमेंट्स करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और शबनम सुहेल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।